इंदौर की विजयनगर पुलिस ने ड्रग्स रैकेट से जुड़े दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जिला कोर्ट के 50 नंबर कोर्ट में पेश होने के पहुंची युवती ने कैमरा देख मुंह छिपाया और दौड़ लगा दी। युवती के हाथ में हथकड़ी नहीं देख मीडिया ने सवाल पूछा तो युवती ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ किया होगा तो मुझे हथकड़ी लगेगी ना। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी युवती और अंकित राय है। युवती के मोबाइल फोन में एक दर्जन से ज्यादा युवकों के नंबर और ड्रग्स को लेकर बातचीत मिली है। इंदौर के हर प्रमुख पब में इसकी एंट्री फ्री रहती थी, क्योंकि ये पबों में नशा करने के बाद मॉडल की तरह टेबल पर खड़े होकर डांस कर युवाओं को आकर्षित करती थी, उनसे दोस्ती कर कोकीन लेने के लिए उकसाती थी। वहीं अंकित के बारे में पता चला है कि वह कुछ वर्षों पूर्व भवरकुआ थाने के पास स्थित पब में बारटेंडर का काम करता था। यह सीधे आंटी से जुड़ा रहा है। पब में आने वाले रईस लड़कों को आंटी से कोकीन लाकर कमीशन जोड़कर बेचता था। आरोपी से कोकीन खरीदने वाले और कई लोगों की जानकारी भी पुलिस को लगी है। जल्द ही और गिरफ्तारियां भी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। हाँ, इनके द्वारा काफी सारी जानकारियां दी जा रही हैं और ये तो काफी दिनों से काम कर रहे थे इनके साथ, और इनका भी तरीका वही था जो उन लोगों का था, पब और बार और पार्टियों में जा करके वहाँ नए नए बच्चों को, युवाओं को नशे की लत लगा कर उनको आदि बनाना और उसको बेचना।